दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 18 तेलंगाना न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। लावारिस बच्चों के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में शिशु विहार नामी नए वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वजीर सत्यवती राठौड़ ने एमएलए जाफर हुसैन महराज की मौजूदगी में किया। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शौकत की 18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए 18 तेलंगाना न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। संबंधी आईसीयू वार्ड ने 10 बेडल तो कूड़ी वार्ड ने इनाग्रेशन चेयर जी अना गौरव शासन सभ्यु जाफर हुसैन अना नायकत्व में माँ शिशु विहार पिलू नीलोफर हॉस्पिटल में एक और वार्ड को अपग्रेड किया गया है, जो शिशु विहार वार्ड जिसका इनाग्रेशन आज अमल में आया है। ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सत्यवती राठौर मैडम, ऑनरेबल मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, जिन्होंने एक वार्ड जो 10 बेडेड वार्ड है उसका आज इनाग्रेशन अमल में लाए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि नीलोफर हॉस्पिटल पहले से ही काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था और इसको ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। 2 दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब आकर एक 100 बेडेड आईसीयू वार्ड का भी इनाग्रेशन अमल में आया था। आज ये जो शिशु विहार जो वार्ड खुला है जिसमें 10 बेड है, इसका मेन क्या है मैं आपको बता दूँ। ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं, कई बच्चों को पैदा होने पर माँ बाप उनको या तो गारबेज बिन करने छोड़ देते हैं या हॉस्पिटल के पास में छोड़ते हैं। ऐसे बच्चों को वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर अडॉप्ट करते हुए अगर उन लोग बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए एक सेपरेट वार्ड यहाँ पर रखा गया है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ हमारे सुपरेंट साहब और उनकी तमाम टीम के एफर्ट की तरफ से ये काम हो रहा है। और नीलोफर हॉस्पिटल अभी 33 करोड़ तेलंगाना गवर्नमेंट जो सैंक्शन की है, जिससे ये हॉस्पिटल को अपग्रेड करते हुए 800 बेड्स और बढ़ाया जा रहा है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट का, सीएम केसीआर का, जिन्होंने 33 करोड़ सैंक्शन देके ये हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज नीलोफर हॉस्पिटल में मिनिस्टर मैडम सत्यवती राठौड़ मैडम आए हैं और उन्होंने इनाग्रेशन हमारे शिशु विहार वार्ड स्पेशल वार्ड जो बच्चों के लिए है, जो बच्चों को माँ बाप नहीं हैं, बहुत उनको छोड़ देते हैं, ये शिशु विहार वार्ड बोल के हमारे पास पुराना वार्ड था एक, उनको अच्छा रिनोवेट करके मैडम की तरफ से, वैसे ही वहाँ के कमिश्नर और सेक्रेटरी की तरफ से, वो दिव्या मैडम की तरफ से काफ़ी अच्छा हमको डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिला। हम लोग ने फर्स्ट फ्लोर पुराने बिल्डिंग में यूनिट 1 के बाजू जो शिशु विहार वार्ड नया स्टार्ट किए हैं, तो इसका जो सपोर्ट जो श्रेय जाता है पूरा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को जाता है। हमारे मिनिस्टर साहब, नए मिनिस्टर साहब जो परसों आए थे, इनॉग्रेट किया जो आईसी का, उसके बाद जो है आज शिशु विहार वार्ड का भी इनॉग्रेशन हुआ मिनिस्टर साहब के हाथ में, तो ये शुभ कार्य है और बहुत ही अच्छा सूचन है। और इसी तरह से हमारे गवर्नमेंट और हमारे डीएमई साहब का भी सपोर्ट बहुत है हमारे पास, क्योंकि वो भी यहाँ से नीलोफर के हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं और उनका भी सपोर्ट कभी भी रहता है हमारे पास। जैसे कि आपको मालूम है हमारे एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब प्रोएक्टिव है, नीलोफर हॉस्पिटल उनको टॉप प्रायोरिटी रहता है, बहुत ही केयरिंग एमएलए साहब हैं, बहुत केयर करते हैं बच्चों के बारे में और डॉक्टर्स के बारे में। जिस तरह से भी कुछ भी प्रॉब्लम है, इधर जोड़ा भी अप्रोच करेंगे तो तुरंत जाफर हुसैन साहब रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारे को अच्छा सपोर्ट देते हैं, हॉस्पिटल भी अच्छा डेवलप करते हैं। तो वो हिसाब से इन सब के सपोर्ट से, हमारे फैकल्टी, हमारे डॉक्टर्स की सपोर्ट से यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट है, जो भी है, हम लोग पूरे तरह से बच्चों को अच्छा देखेंगे, हमारा एश्योरेंस है। तो दिस शिशु विहार वार्ड इज़ ए 10 बेडेड वार्ड नाउ विद 4 to 5 इवन न्यूबॉर्न बेबी केयर, रेडिएंट वार्मर्स आर देयर एंड वी हैव अ न्यूबॉर्न यूनिट हियर इन द ऑपोजिट बिल्डिंग। दिस इज़ द ओल्ड बिल्डिंग, दैट्स अ न्यू बिल्डिंग। सो वेन एवर वी वॉन्ट दिस बेबीज केयर, वी कैन गिव द हाई एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर केयर एट नीलोफर हॉस्पिटल। Have the staff been allotted from Nilofar or Shishu Vihar?
Yeah, the staff comprising Hyderabad of 8 International AMS School, CBSE plus Exceed syllabus, which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality development through life skills, physical fitness and sports, transport facility available. Hyderabad International School, branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.